हेलो गाइस, दिस इज सौरभ, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, रॉयल फील्ड की तरफ से मिलने वाला ये हेलमेट और कुछ पॉइंट्स जो मैंने नोटिस करी थी इस सर्विस बुक में, जो BS4 से अलग थी BS6 में, तो मैं आपके सामने वो रखने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। थैंक यू। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रॉयल फील्ड की तरफ से मिलने वाला ये हेलमेट, इसे ओपन फेस हेलमेट कहते हैं। ठीक है, ये फुल फेस हेलमेट नहीं, जैसा आप दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी के लिए आपको बिल्कुल भी इतनी सी भी टेंशन नहीं लेना इसकी, क्योंकि पीछे डॉट सर्टिफाइड मीन्स जो अमेरिकन स्टैंडर्ड होता है वो डॉट सर्टिफाइड देता है। ठीक है, अब इस डॉट सर्टिफाइड को अपने इंडियन गवर्नमेंट PIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफाइड करता है इसी क्वालिटी चेक करने के बाद, और उसके बाद इसको ISI सर्टिफाइड मार्क प्रोवाइड करवाता है। ठीक, तो जिस हेलमेट के ऊपर ISI मार्क होता है, आपको मालूम है कि भाई उसके ऊपर ना चालान है, ना आपको कोई डरने की बात है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि यार जो आरी है वो फुल फेस हेलमेट क्यों नहीं देती है, वो तो आरी बता सकती है। बाकी इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि जब ये सर के अंदर जाता है तो भाई बहुत प्यारा लगता है बाइक के ऊपर इंसान। आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि आपको ये हेलमेट कैसा लगता है। तो जब मुझे ये हेलमेट मिला था, तब मैंने इसका जो प्राइस टैग देखा था वो था 1850 आई थिंक, 1850 रुपये। उसके हिसाब से ये हेलमेट बुरा नहीं है भाई, बहुत अच्छा है। बात करते हैं इसके वेट की, जो आपके सामने है 852 ग्राम्स, जो कि काफ़ी हल्का है, आपको लॉन्ग ड्राइव के लिए काफ़ी कम्फर्टेबल फील करवाएगा। ठीक है, भाई बात करते हैं इस हेलमेट के ऊपर ट्रैफिक पुलिस चालान काटेगी या नहीं काटेगी। ठीक है, तो भाई ट्रैफिक जो चालान है हेलमेट के ऊपर वो है हाफ हेलमेट के लिए। ठीक है, हाफ हेलमेट जो होता है, मतलब जो सर के ऊपर रहता है ना, उस पर जॉ के पास कोई सपोर्ट होता है ना, फिर सामने शील्ड होती है कोई भी, ठीक है ना, वाइज़र होता है, तो उस पर जो ट्रैफिक चालान है वो डेफिनेटली है, लेकिन इस हेलमेट के ऊपर कोई भी चालान नहीं है। तो बेफिक्र हो गया, आप इस हेलमेट का यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली बात करते हैं जो आरी की तरफ से बाइक के साथ में सर्विस बुक मिलती है BS6 बाइक के साथ में, इसके बारे में। ठीक, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है, आपकी बाइक को लेकर, सर्विसिंग से लेकर हर चीज़, मेंटेनेंस टिप्स लेकर ठीक है, सारी चीज़ दी हुई है इसके अंदर। अगर इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए कमेंट में, बिल्कुल बनाऊंगा। लेकिन जो मुझे एक पॉइंट बताने लायक था, मतलब मैंने जो देखा BS4 और BS6 बाइक के सर्विस बुक में, एक मेजर डिफरेंस ये था कि इस बाइक में, इसका जो फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहले बाइक 2 साल की वारंटी के साथ आती थी या तो 30,000 किलोमीटर तक। ठीक है, लेकिन अब BS6 बाइक में 3 साल की वारंटी दे रही है अपनी हारी कंपनी, भाई लोग। ठीक है, तो एंजॉय करो। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। और मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए प्लीज़ दोस्तों, सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।